हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लम हॉल। सो मैंने प्लम की वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे एंड कुछ प्रोडक्ट को मैंने बहुत टाइम तक यूज़ भी किया है टू गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल बिना कोई देरी के। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम बल्गेरियन वैली रोज़ वाटर टोनर विथ हाइलुरोनिक एसिड। मैंने इसको ऑलमोस्ट पूरा यूज़ कर लिया है। इसमें बहुत ही माइल्ड एक रोज़ की स्मेल आती है एंड बिल्कुल भी मेरे स्किन में कुछ हार्श रिएक्शन नहीं हुआ है, बिकॉज मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आई लाइक द प्रोडक्ट एंड आई एम गोइंग टू परचेज इट अगेन फॉर श्योर। सेकेंड प्रोडक्ट है प्लम ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ऑयल। ये एक फेशियल ऑयल है और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। एज यू कैन सी मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा ऑयली है सो विंटर्स के लिए परफेक्ट है फॉर ड्राई स्किन। ऑयली स्किन के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरी ड्राई स्किन है तो ये मेरे काम आया और ये मेरे को एज अ फ्री प्रोडक्ट मिला था, सो आई लव दिस प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट है प्लम की ये पीट क्रीम। सो ये मेरे को बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में मिली थी। तो जो पहला फ्रेग्रेंस है वो है लेमन लेमन और जो सेकंड फ्रेग्रेंस है और जो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा वो है ट्रिपिन मिमो सास। बट दीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग लाइक समर्स में, ये एक से दो आवर्स के लिए ही लास्ट करेंगे। विंटर्स में हो सकता है लॉन्गर टाइम के लिए लास्ट करें। सो अगर ये बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। अदरवाइज आई नॉट रिकमेंड कि आप 345 दे के इसको यू नो परचेज करो, क्योंकि मुझे ये काफ़ी सो प्रोडक्ट लगा, कुछ खास नहीं लगा। इससे अच्छा आप निविया का रोल ऑन ले लो, वो ज़्यादा अच्छा आपको यू नो रिजल्ट देगा एज अ पिट क्रीम। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम बॉडी लविंग परफ्यूम एंड बॉडी योगर्ट इन द फ्रेग्रेंस ऑफ फीलिंग सो रोज़। मुझे आजकल ना रोज़ की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही है, विंग परफ्यूम और बॉडी क्रीम और बॉडी बटर। सो मैंने ये बॉडी योगर्ट जो है इसको ऑलरेडी बहुत यूज़ किया है, ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुका है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है, मतलब बॉडी योगर्ट होने के बाद भी इसकी फ्रेग्रेंस एक से दो घंटे लास्ट करती है, विच इज़ अ रियली रियली रेयर थिंग इन बॉडी योगर्ट। सो समर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि उतनी हाइड्रेटिंग नहीं है कि आपको विंटर्स में यू नो आपका साथ दे। और जो परफ्यूम है ना उसकी स्मेल मुझे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगी, लाइक आपको हेडेक दे वैसी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, इसलिए मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। बट बॉडी योगर्ट वॉज फैब। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अगेन फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग रेंज और ये फ्रेग्रेंस बहुत फेमस भी है, दैट इज़ हवाई रूम्बा। इसका मैंने शावर क्रीम एंड बॉडी मिस्ट लिया था एंड इसकी फ्रेग्रेंस एक्चुअली बहुत अच्छी है। एंड शावर क्रीम यू कैन यूज़ फॉर शेविंग पर्पसेस, सो मैं उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ करती हूँ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम की विटामिन सी टोनर एंड मॉइस्चराइजर। ये एकदम फ्रेग्रेंस फ्री है, लाइक द नेम सजेस्ट कि दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं मॉइस्चराइजर जल्दी से किसी और ब्रांड का यूज़ नहीं करती हूँ, बट क्योंकि ये फ्री मिला था इसलिए मेरे पास है। और मैं इसका टोनर भले ही यूज़ करूँ बट मॉइस्चराइजर आई माइट नॉट यूज़ इट। बट जब मैंने हाथों में इसको लगाया तो आई फेल्ट कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि उतना ज़्यादा यू नो स्टिकी नहीं था। सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू कैन ट्राई दिस। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अगेन अ फ्री प्रोडक्ट, दैट इज़ अ पाउच। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये सारे थे प्लम के बॉडी केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नाउ इट्स टाइम फॉर मेकअप प्रोडक्ट्स। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेकअप में वो है ये लिपस्टिक इन द शेड ऑफ पपाया। ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने अपने 5 टॉप मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक वाले शॉर्ट में भी ऐड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और फिर मैंने ये लिया था काजल, आईब्रो पेंसिल एंड मस्कारा। इसकी भी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें मैंने इसका रिव्यू किया था, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड फिर मैंने लिए थे ये नेल पॉलिश 3 शेड। इसका एक कॉम्बो पैक आ रहा था 3 शेड का, इसे मैंने ये तीनों शेड लिए थी। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड सबसे बेस्ट जो नेल पॉलिश का ब्रश है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे नेल पॉलिश में ना वो ब्रश है इतना बेकार क्वालिटी का होता है ना कि अच्छा नहीं लगता है। तो नेल पॉलिश भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये था मेरा प्लम हॉल। मैंने हर तरह के प्रोडक्ट को इंक्लूड करने की कोशिश की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।